Look here, there and yonder, the world is full of wonder. For all the where in my house and the when what wears, there's but one place worthy, Achala Bharati. There's but one place worthy, Achala Bharati. Achala Vismaya Loka, an amazing world of limitless fun. Brought to you by Achala Bharati Trust. हेलो नमस्ते बच्चों, कहानी सुनेंगे हम, आगे क्या होता है। पहले हमने देखा ऊंट और उसका मालिक गांव-गांव जाकर बच्चों की सवारी कराते और पैसा कमाते, फिर इन्हीं पैसों से ऊंट को सजाते और इसी तरह उनका जीवन बीतने लगा। एक दिन एक गांव से दूसरे गांव जाते वक्त ऊंट जंगल पहुंच गया। वहां ऊंट के आने की खुशी में जंगली जानवरों ने जश्न का प्रबंध किया था। पार्ट दो में क्या होता है हम आगे देखते हैं। एक घंटे के बाद सारे जानवर फिर से इकट्ठा हुए। करड़ी यानी भालू ने बहुत ही शानदार भोज का इंतजाम किया था। उसने सब सस्याहारी प्राणियों से कहा, आप लोगों का भोजन यहाँ पर रखा हुआ है, सब लोग इस तरफ आओ और अपना भोजन शुरू करो। फिर ऊंट की तरफ मुड़ करके कहा, मेरे दोस्त, यह भोज खासकर तुम्हारे लिए व्यवस्थित किया गया है, कृपया मन भर कर भोजन करना। बेचारा इंसानों के साथ रह के दुबला पतला हो गया है। इतना कहकर उसने हाथी को बुलाया और कहा कि ऊंट की देखभाल करे और यह भी देखे कि वह अच्छे से खाना खाए। फिर दूसरी ओर मांसाहारी भोज का भी इंतजाम किया गया था। उसे मांसाहारी प्राणी को दिखाया और भोजन करने को कहा। सारे प्राणियों ने ऊंट की बहुत अच्छे से देखभाल की और खाना भी खिलाया। ऊंट को जोरों से भूख लगी थी, उसने खाना खाया और तृप्त हुआ। सारे प्राणियों ने मन भर कर भोजन किया। ऊंट चिंतित हुआ, उसने वहां खरगोश के पास जाकर पूछा, मेरे प्रिय खरगोश, सारे प्राणियों ने भोजन कर लिया है लेकिन कछुआ अभी तक नहीं आया। यह सुनकर खरगोश ने कहा, तुम्हें पता नहीं, हमारा दोस्त कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है, इसलिए यहाँ पहुंचने में उसे देरी होगी। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। खाना खाने के बाद सारे प्राणी फिर से एकत्रित हुए और कुछ प्राणियों ने भोजन की प्रशंसा की और कहा, हमारा पेट भर गया है और हमें नींद आ रही है, इसलिए जाकर आराम करेंगे। फिर उन प्राणियों ने ऊंट को अपने झुंड में शामिल होने के लिए शुभकामनाएं देते हुए फिर मिलने का वादा करके चले गए। बाकी प्राणी अब वहीं पर रह गए और उन्होंने ऊंट से कहा, जब हम सभी ऐसी बैठक में होते हैं तो संगीत सुनने की प्रथा है। संगीत खुशी और शांति देती है। कभी कभी हम नाचते भी हैं। आशा है तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी। ऊंट ने कहा, यह सब मेरे लिए नया है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। इस बीच टिड्डी वहां आई। भालू ने उससे पूछा, क्या तुम वॉयलिन लाए हो? हाँ हाँ, मैं अपना वॉयलिन साथ लाया हूँ। क्या तुम्हारे सारे दोस्त अपने अपने बाजों के साथ आए हैं? ढोलक वाला कहाँ है? भालू ने पूछा। जल्दी ही संगीत कचहरी शुरू हुई, बहुत ही मधुर था। ऊंट बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, जंगल में जीवन बिताना कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा हुआ कि मुझे यहाँ पर रहने का अवकाश मिला। संगीत सभा के बाद हाथी आया और हाथी ने बोला, जब मैं केरल में रहता था तब मैंने वहां का नृत्य सीखा,
जिसे कथकली कहते हैं। क्या मैं आपको वो नृत्य दिखाऊं? सारे प्राणी उत्सुक हुए और नृत्य दिखाने को कहने लगे। हाथी अपनी सूंड को हिलाने लगा, कानों से हवा देने लगा, अपना सिर हिलाने लगा, अपने पैरों को थिरकाने लगा। नाच बहुत अच्छा था, सारे प्राणी खुश हुए। फिर उसके बाद भालू, जिसे हम करडी कहते हैं, सामने आकर बोला, दोस्तों मैं जब बंगलूर में था तब मैंने वहां पर एक नाच देखा था, क्या मैं आप लोगों को वो नाच दिखाऊं? सारे प्राणी बोलने लगे, हाँ हाँ दिखाओ दिखाओ। भालू ऊपर टीले पर पहुंचा और उसने वहां से छलांग लगाया। छलांग लगाते वक्त वहां जोर जोर से कुछ बोलने लगा और नाचने लगा। नाच बहुत अच्छा था। नाच खत्म करने के बाद भालू ने कहा, दोस्तों यह नाच यक्षगान है, कैसा लगा? क्या आप लोगों को अच्छा लगा? सारे प्राणी बोल पड़े, हाँ हाँ बहुत अच्छा था। अगली बारी थी मोर की। मोर अपने परिवार के साथ आकर बीच में खड़ा हो गया। उत्तर दिशा में एक नाच है, कुचिपुड़ी, क्या मैं वो करके दिखाऊं? सारे प्राणी मोर की प्रशंसा करने लगे, जैसा कि तुम पहले ही बहुत अच्छे नृतक हो, उसके बावजूद तुमने एक नया नृत्य सीखा है, हमें बहुत खुशी होगी अगर तुम हमें नृत्य दिखाओगे। सारे मोर नाचने लगे और नृत्य दिखाने लगे। नृत्य सबको बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हिरण अपने परिवार के साथ आ पहुंचा और बोला, हमने भरतनाट्यम सीखा है, हम भरतनाट्यम नृत्य करेंगे। प्राणियों ने सहमति दिखाई और उन्होंने अपनी नृत्य प्रदर्शना किया और सबको नृत्य पसंद आया। सारे प्राणियों ने ऊंट से कहा, हम सब लोगों की बारी खत्म हुई, अब तुम्हारी बारी है। ऊंट घबरा गया, बोला, हे भगवान, मुझे नृत्य कैसा करते हैं पता नहीं, मैंने पहले कभी नहीं किया। सारे प्राणियों ने मिलकर कहा, क्या कह रहे हो, तुम कितने लंबे सुंदर हो और बलवान हो, नृत्य करना मुश्किल नहीं होगा, तुम्हें नाचना ही पड़ेगा, चलो चलो जल्दी करो। ऊंट मान गया, अपने पैर हिलाने लगा। आपको पता है क्या हुआ? पैर फिसलने लगे, घुटना मुड़ने लगा, पैर इधर उधर को जाने लगा, वह अपना संतुलन खोने लगा। यह देखकर सारे प्राणी हंसने लगे और ऊंट को चिढ़ाने लगे। हमने सोचा था ऊंट बहुत बलवान और महान है, देखो कितनी बुरी तरह से नाच रहा है, यह बिल्कुल नालायक है, किसी काम का नहीं है। ऊंट को बहुत बुरा लगा, मैं क्यों इन लोगों के साथ रहूं? मेरे मालिक ने कभी भी मेरा मजाक नहीं उड़ाया, आज तक कभी भी डांटा या मारा भी नहीं, मेरी कितनी अच्छी देखभाल करता था, मुझे ढेर सारा प्यार देता था। इन नए दोस्तों से तो मेरे मालिक बहुत अच्छे हैं। हाँ माना कि कभी कभी हमारे पास खाने को कुछ नहीं होता, लेकिन ठीक है, मैं इन प्राणियों के साथ नहीं रहना चाहता, मैं अपने मास्टर के पास वापस चला जाऊंगा। यह सोचकर ऊंट अपने मालिक के पास जाने लगा। अपने रास्ते में ऊंट ने एक नदी को बहुत बहते देखा और उसके किनारे पे कछुआ अपने परिवार के साथ धीरे धीरे आ रहा था। कछुआ उसे देखकर अचरज में पड़ गया और पूछने लगा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? ऊंट ने अपने साथ बीती सारी कहानी सुनाई और कहा, बहुत हो चुका, मैं जंगल में नहीं रहना चाहता, मैं अपने मालिक के पास वापस जा रहा हूँ। कछुए को बहुत बुरा लगा
वह चाहता था कि ऊंट जंगल में रहे, लेकिन जानता था अब बहुत दुखी है ऊंट और वह जंगल में नहीं रुकेगा। कछुआ सोच रहा था कि ऊंट को कैसे रोके। तुरंत उसे एक उपाय सोचा और कहा, पार्टी खत्म हो गया होगा, अब वापस उतना दूर जाने का कोई फायदा नहीं, लेकिन अपने परिवार को इतना दूर ले आया हूं, अगर मैं उन्हें पार्टी में नहीं ले गया तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा, इसलिए आओ यहीं पर हम एक छोटी सी पार्टी करके, यह मेरी तरफ से विनती है कि तुम इसमें भाग लो। ऊंट बहुत दुखी था, उसका पार्टी में जाने का मूड नहीं था। फिर उसने सोचा, मेरा प्रिय दोस्त इतना कह रहा है तो मुझे इसका दिल नहीं दुखाना चाहिए, और बोला, चलो दोस्तों छोटी सी पार्टी का मजा लेते हैं। कछुआ अपने सीप के अंदर से बांसुरी निकालकर बजाने लगा, बाकी कछुए भी बांसुरी बजाने लगे। संगीत बहुत सुरीला होता गया, ऊंट को बहुत अच्छा लगा और सारे कछुए भी संगीत में मस्त हो गए। ऊंट अपने अपमान को भूलकर संगीत का मजा ले रहा था। अचानक ऊंट अपने पैरों को हिलाकर अनजाने में ही बांसुरी के धुन पर नाचने लगा। कुछ देर बाद कछुए ने बांसुरी बजाना बंद कर दिया और ऊंट ने भी नाचना बंद कर दिया, और जैसा कि वे मग्न होकर आंखें बंद करके नाच रहे थे, संगीत के बंद होने के बाद ऊंट नाचना बंद कर दिया और आंखें खोलकर देखा तो सारे जंगल के प्राणी उसके सामने थे। सारे प्राणी आश्चर्यचकित होकर तालियां बजाने लगे। प्राणी आपस में बातें करने लगे कि कितना अच्छा नाचता है, कोई इसकी बराबरी नहीं कर सकता। यह सुनकर ऊंट बहुत खुश हुआ, लेकिन कछुए को बहुत गुस्सा आया। वह जानवरों को डांटने लगा, आप लोग यहाँ पर ऊंट का वर्णन कर रहे हो, लेकिन इससे पहले उसका मजाक क्यों उड़ाया गया था? बेचारा वह कितना दुखी हुआ था, क्या उसका मजाक उड़ाना आप लोगों के लिए सही लगता है? हाथी आया और कछुए से पूछा, क्या हुआ, आप लोग इतना गुस्सा क्यों हो? कछुए ने सारी कहानी सुनाई और कहा, सारे प्राणियों ने ऊंट का बुरी तरह से मजाक उड़ाया, जिससे उसे बहुत चोट पहुंचा है। वह इतना दर्द में था कि वापस अपने मालिक के पास जाने का मन बना लिया था। मैंने उसे बड़ी मुश्किल से हमारे परिवार के साथ समय बिताने के लिए राजी किया। जब वह रुकने को मना कर रहा था तो मैंने मनाया और अब वह मान गया। तब हम बांसुरी बजाने लगे, जिसकी धुन पर वह ऊंट नाचने लगा। यह सारे प्राणी अपनी प्यास बुझाने यहाँ नदी के किनारे आए और ऊंट को नाचता देख उसकी प्रशंसा करने लगे। हाथी भी गुस्सा हुआ और बोला, दोस्तों यह बिल्कुल गलत है, हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, सब लोग किसी न किसी चीज में माहिर होते हैं। वह मोर की तरफ मुड़ा और बोला, मोर तुमको अपनी नृत्य कला पर कितना गर्व है, लेकिन क्या तुम कोयल की तरह गा सकते हो? उसी तरह कोयल बहुत अच्छा गाता है, क्या वह नृत्य कर सकता है? नहीं, कोयल नृत्य नहीं कर सकता। हम सब लोग किसी न किसी चीज में बहुत अच्छी और बुरी होती हैं, इसलिए हमें दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, हमें अपनी आदतों को सुधारने की प्रयास करनी चाहिए, ना कि दूसरों को चिढ़ाने का। सारे प्राणियों को बुरा लगा और उन्हें अपनी गलतियों का भी एहसास हुआ। वे बोले, हाँ हम बहुत गलत थे, हमने ऊंट को चिढ़ाया है। वे सब ऊंट के पास गए और उससे क्षमा मांगने लगे, हमने जानबूझकर नहीं किया, लेकिन उस वक्त हमें हंसने का मन हुआ और हम सब हंस पड़े थे, कृपा करके हमें माफ कर दो, हम सब भाई बहन की तरह हैं और कृपा करके अपने मालिक के पास मत जाओ।
यह सुनकर ऊंट को भी लगा, हाँ उस वक्त वे लोग मुझे चिढ़ा रहे थे लेकिन अब क्षमा मांग रहे हैं। हम सब प्राणी हैं और हमारा स्थान जंगल में है। फिर उसने धीरे से सब प्राणियों से कहा, मैं यहीं पर रहूंगा और अपने मालिक के पास नहीं जाऊंगा। हम सब लोग यहाँ पर सुख और खुशहाली से इस जंगल में रहेंगे। इतना कहकर ऊंट सब प्राणियों के साथ जंगल गया और अपने दोस्तों के साथ खुशी खुशी से रहने लगा। अच्छा बच्चों, आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, है ना? नमस्ते, बाय बाय।